सभी सा। किसान भाइयों को संदीप कुमार की तरफ से राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ग्रो फार्मिंग 97 में। तो आज हम एक भाई साहब के पास पहुंचे हैं जो अभी पिग फार्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और जिन्होंने फौजी भाई साहब को मतलब एडवाइस के लिए, फिर क्या क्या मैनेजमेंट करना है इसके बारे में पूछने के लिए फौजी भाई साहब को इन्वाइट किया है, जिसकी वीडियो आपने पहले हमारे चैनल पर देखी है। तो चलो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाते हैं। भाई साहब कहाँ से? नमस्कार जी, थोड़ा नमस्कार जी। जोर से बोलो जी, नमस्कार जी। हम अपना एड्रेस बता दो जी, कौन सा गांव है, नाम बाबूलाल है, जी। गांव गुत्ती है। हाँ तो अभी आपने जो स्टार्ट करना चाहा है पिग फार्मिंग का बिजनेस, तो इसमें के सोच के आपने प्लान करी कि भाई पिग फार्म स्टार्ट करें? ये तो बस भाई साहब कहना है, इसे फौजी भाई साहब से पूछ के कहना है, थोड़ा सलाह अच्छा, रही है कहना। तो अभी क्या क्या पूछेंगे आप भाई साहब से, कैसे मैनेजमेंट करें? तो भाई साहब, फौजी भाई साहब, एक बार भाई साहब को बताइए कि क्या क्या मैनेजमेंट करें, कैसे बनवाएं, कितने कमरे की साइड, कितनी हाइट रखें, कुछ एडवाइस दीजिए भाई साहब को। हाँ भाई साहब नमस्कार। आपके फार्म पर ये भाई साहब ने बुलाया था, बाबूलाल जी ने। ये गुत्ती के हैं, यादव जी हैं। इन्होंने ली थी सलाह कि आपका भी है, इनके पास भी तीन चार ट्रैक्टर हैं, एक बच्चा इधर ही है, एक बच्चा लग रहा है, तो ये बोल रहे थे कि मैं भी करूँगा। मेरी एज ज़्यादा होगी, ट्रैक्टर चलता नहीं है, मेरे को धंधा बताओ। तो इन्होंने ये पिक फार्म कर रहे हैं इधर। तो आपने एडवाइस दी कि भाई पिग फार्म का बिजनेस कर लो। हाँ वो ये कर लो, तो इन्होंने अब ये मिस्त्री ले आके चेजा शुरू कर दिया। अब ये कमरे कुमरे नाप नूप के, ये है 36 बाई लंबा, 60 बाई 30 का, 60 बाई साठ बाई साठ तीस बाई का तीस तो हाँ। कितने मतलब कितने बच्चों स्टार्ट करने का प्लान है आपका? 10 मादा, और एक सुन, नर, एक नर, 10 मादा एक नर से, 10 मादा एक नर, और 20 बच्ची है छोटे, 20 बच्चे। जो एक एक महीने के बच्चे। अच्छा, उनसे ये है कि रोटेशन जल्दी घूम जाएगा, क्यों, वो मादा भी आएंगी 3 या 4 महीने में, तो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। तो रोटेशन घुमाने के लिए जो भी किसान जो भी करता है, उसका रोटेशन नहीं घूमता है जब तक इंसान फेल होता है। जो रोटेशन जल्दी घूमेगा तो इंसान कम फेल होएगा, जो मार्केटिंग में जल्दी जाएगा माल, जब तो पैसे आएंगे, ऐसे कौन पैसे देगा। तो ये मार्केटिंग के लिए के ना, ये 20 या 30 बच्चे ले आएंगे, और 10 बड़ी और एक सूर। तो जैसे भाई साहब की जगह है 30 बाई 60 की, तो इसमें इनको आपको क्या सजेस्ट करना है कि कैसे बनाएं, इनमें कुछ बताइए भाई साहब को। ये 6 बाई 8 के तो कमरे हो जाएंगे एक तरफ। एक तरफ हाँ तो वो दस क्या काम मान करेंगे 6 बाई 8 वाले की? ले, जो ब्याह उड़ताल होगी ना, जो जानवर जो ब्याएगा उसको अकेला अकेला एक एक में में एक तरफ, रखेगा, और एक तरफ हो जाएगा बच्चों का। जैसे ये ब्याएंगी तो वो बच्चे 1 महीने के बाद, 35 40 दिन के बाद टाड़ेंगे, तो वो 20 बच्चे 40 बच्चे एक जगह रख लें। और जो मान ले ब्याह गई वो, तो 5 सूरी एक जगह रख ली जानवर, तो उनको नुहाने में और करने में और बाकी कमरे खाली रहे। तो एक साइड के बड़े कमरे और एक साइड के ब्याह उड़ाने कमरे तो और छोटे। पानी पुनी का और फीड फैड के लिए क्या मैनेजमेंट करना है? ये सब नलकी लगेंगे, नलका दबेगा और ठूठी आती है ऑटोमेटिक, वो दबा के ऑटोमेटिक पानी पी लेंगे। तो भाई साहब आपका और कोई सवाल है फौजी भाई साहब, जो पूछना हो, हाइट या फिर ऊपर छत कैसी डालें, ऐसा कोई सवाल हो तो? सवाल तो आप चादर चादर डालेंगे होंगे, सीमेंट सिमेंट वाली। वाले। हाँ जी, तो और कोई जानकारी आप, और फीड फैड का मैनेजमेंट का आपने बता दिया, वो फीड का बता दिया। तो बच्चे मतलब भाई साहब को आप ही अवेलेबल करवाएंगे या कहीं बाहर से? नहीं, कहीं से भी अच्छी मान ले अच्छी कंडीशन के बच्चे होंगे, जैसे फीड के बच्चे, उसके बॉय लाएंगे ऐसे। तो भाई साहब आपको लगता है कि आप मतलब इस बिजनेस में प्रोग्रेस कर लेंगे या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको? क्या दिक्कत है, प्रोग्रेस के लिए तो कराए और क्या। भाई साहब जैसे कि है कि इनमें बताते हैं कि इनमें मल है, उनमें बदबू बहुत आती है, तो क्या आप मतलब उसमें काम कर पाएंगे? धंधा काम कर चलाएगा तो बदबू भी सहन करनी पड़ेगी, सारा काम तो करना घर पड़ेगा। वाले बदबू का मैं इलाज बता देता हूँ, सभी को इलाज बता देता हूँ, आपके चैनल से किसी भाई को भी इलाज बता देता हूँ। बदबू आ जाए तो मैं दूंगा उसको पैसे, सफेदे के पत्ते और अपने रांग और उनके ना थोड़ा गुड़, उसको खूब उबाल देना, खूब उबाल देना। सफेदे के पत्ते होने चाहिए, देसी सफेदा नहीं होता, और उबाल के उसकी स्प्रे करते हो 10 में दिन, बदबू आ जाए और मक्खी आ जाए तो मेरे को बता देना। हाँ भाई साहब, जैसे आपने सभी ने देखा होगा फौजी भाई साहब के मतलब मक्खी तो आपको दिखे नहीं गई बिल्कुल भी, और साफ सफाई भी अच्छी थी। तो भाई साहब ये बताइए, आपके मतलब फैमिली मेंबर सब खुश हैं क्या इस बिजनेस से? हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। तो और भैंस भूस गाय गू और भी रखते हैं मवेशी, या फिर ये सीधा ये कर रहे हैं? ये तो यही इसी का होगा, वो घर रहे हैं या नहीं है। अच्छा, मतलब पशु हैं वो घर पर रहते हैं।
तो और अभी और क्या बिजनेस करते हैं आप खेती बाड़ी के साथ में? ट्रैक्टर है, जेसीबी है। अच्छा, तो अभी ये तो मतलब साइड बिजनेस के तौर पे करेंगे। हाँ। तो मूल बिजनेस तो ट्रैक्टर के जेसीबी का वही है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। किसान भाई रोक दिए भाई टिंकू।